मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरं। ओम। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में आप सब समुपस्थिति जो जिज्ञासु वर्ग हैं, साधक वर्ग हैं, आपके रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान हैं। हम लोग अष्टावक्र गीता के माध्यम से आत्म तत्व का चिंतन कर रहे थे। अध्याय दसवां, जिसका प्रथम श्लोक हम लोगों ने सवेरे पढ़ लिया था, स्वयं महामुनि अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया कि जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें से मोक्ष की तो कामना होनी चाहिए, मोक्ष अभिलाषा तो होनी चाहिए, और जिसके भीतर मोक्ष की कामना है वही मुमुक्षु है। जब हमारे भीतर ऐसी मोक्ष की कामना हो तब क्या करें? तो कहा कि ये जो जीवन का अंतिम निःश्रेयस पद है मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए जो शुरुआत वाले हैं इनसे थोड़ा मुख मोड़ो। काम है वो हमारी साधना के मार्ग में बाधा देता है, अर्थ है वो तमाम तरह की समस्याओं की जननी है। अर्थ संपत्ति, जिसको कमाने में दुख, उसकी सुरक्षा करने में दुख, उसको खर्चा करने में भी दुख, और किसी कारण से वह नष्ट हो जाए तो महादुख, इससे बचो। और काम और अर्थ दोनों का जो हेतु है वह धर्म, उससे भी बच जाओ। हाँ, धर्म का क्षेत्र था, धर्म का कार्य हमने किया पूरा का पूरा जीवन, हो सकता है 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल हमने पालन किया पूरी तरह से, जो मेरे कर्तव्य में आता था हमने ठीक ठीक किया। हमने घर का कर्तव्य किया, समाज का भी किया, देश राष्ट्र के लिए भी किया। हमने अनीति पूर्वक धन नहीं कमाया,
हमने किसी के घर और खेत खलिहान में आग नहीं लगाया, हमने किसी का अहित नहीं किया, तो हमने धर्म का पालन किया और उस धर्म के पालन से ईश्वर की ऐसी कृपा कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ और हमारे भीतर तत्व की जिज्ञासा पैदा हो गई। अगर अंतःकरण शुद्ध ना होता, साधन चतुष्टय संपन्न हम ना होते, तो हम शायद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और ऐसे गंभीर विषय में हम प्रवेश ही ना पाते। ये आप लोगों पर ईश्वर की कृपा तो है, इतना तो हो गया। जो इतना कर लिए हो तो फिर अब उसको छोड़ो, उस नाव से जितना यात्रा करनी थी कर चुके हम। धर्मम अपि एतये हेतु सर्वत्र अनादरम कुरु। ओ नौका धन्यवाद की पात्र है, उसने हमको इस तत्व ज्ञान के किनारे ला के खड़ा कर दिया। अब मैं तत्व ज्ञान में ही निष्ठ होना चाहता हूँ, आत्मस्वरूप में ही निष्ठ होना चाहता हूँ। हम संसार में नहीं फंसेंगे। कौन सा संसार? अष्टावक्र जी महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं, स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य, स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य, दिनानि त्रीणि पञ्चवा, दिनानि त्रीणि पञ्चवा, मित्र क्षेत्र धनागार, मित्र क्षेत्र धनागार, दारदायादि संपदः, दारदायादि संपदः। हे राजन, आप जो इस राजमहल में रह रहे हो, आपका बहुत बड़ा परिवार है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, आपका सैनिक समाज है, आपका दरबार का समाज है, ये सब का सब बिल्कुल समझो स्वप्न के जैसे ही है। भले हम कह सकते हैं कि स्वप्न हमको थोड़ी देर की दिखाई पड़ता है और ये जगत तो हमको साल दर साल दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे स्वप्न हमको क्षण भर के लिए दिखाई पड़ता है मेरे ही मन के अंतर्गत, उसी प्रकार से अनंत काल में, जिस काल का आदि और अंत नहीं है, उस काल के अंतर्गत 50 साल 100 साल भी केवल स्वप्न के जैसे ही है, दिखाई पड़ता है, आज दिख रहा है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, समय की कोई चीज नहीं, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है, ये भी स्वप्न के जैसे ही है। समझ लो, एक को हम लेट करके स्वप्न देखते हैं और एक खुली आंख से सपना देख रहे हैं। स्वप्न वह, हम उसको स्वप्न कहते हैं, स्वप्न वह है जो जहां पर संभव नहीं है वहां दिखाई पड़े, जहां संभव नहीं है वहां पर दिखाई पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्वप्न है। हमारे इसी मन के भीतर बड़ा सा रथ दिखाई पड़ा, राजमार्ग दिखाई पड़ा, जंगल दिखाई पड़ा, बड़ी बड़ी नदियां दिखाई पड़ी, बड़े बड़े पर्वत दिखाई पड़े, वो हमारे इस चित्त के भीतर इतना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ा और बिल्कुल प्रत्यक्ष के जैसे दिखाई पड़ा, इसीलिए वह है नहीं, है नहीं, क्योंकि उचित देश नहीं है, उचित काल नहीं है, उचित स्थान नहीं। स्वप्न हमारे भीतर एक हिता नाम की नाड़ी है, वहीं पर दिखाई पड़ता है, एक छोटी सी नाड़ी में। 72 करोड़ हमारी नाड़ियां नस हैं, उनमें से एक हिता नाम की नाड़ी में आपको पूरा का पूरा स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक किसी छोटे से लोटे में, छोटा सा पात्र है, और उसमें से कोई बड़ा सा कड़ा है या बड़ा सा घड़ा निकाल देवे, एक लोटे के भीतर घड़ा नहीं हो सकता, लेकिन लोटे में से घड़ा निकाल के दिखा दिया, लोटे में से उसने कबूतर टोपी में से निकाल के दिखा दिया, इसका मतलब को माया होगा, जादूगर होगा। स्वप्न इंद्र जाल वत, इंद्र जाल माने माया, जादूगर की माया, जादू दिखा, वो जादूगर का यही है ना, जो चीज संभव नहीं है वो करके दिखा देता है, हमारे लिए नहीं संभव है। जादूगर तो ऐसा दिखा देगा कि बिल्कुल सबके बैठे बैठे सामने बैठे बैठे किसी को एक बड़े से बक्से में बंद कर दिया, आरी लेके काट देता है उसको,
दिखाई पड़ता है, देखने वालों का हृदय धक धक करने लगता है, घबरा जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद में जिसको काटा वो बाहर आके खड़ा होके सबको नमस्ते करता है। है क्या वो? इंद्रजाल, माया है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। वास्तव में कसौटी पर कसते हैं तो होता नहीं, इसीलिए उसको हम कहते हैं इंद्रजाल, माया, जादू। वो ऐसा कानपुर में एक घटना हुई और संतों के मुख से सुना है कि कोई एक जादूगर आया, बड़ा उसका प्रचार हुआ और बहुत बड़ी जगह में, उसका समय था 5 बजे का, पूरी भीड़ इकट्ठी है, वो 1 घंटा लेट आया जादू दिखाने के लिए, 1 घंटा लेट आया, और तब तक सारे दर्शक हाहाकार, कोई कुर्सी तोड़ने की कोशिश, कोई हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इतना देर। 1 घंटा जब लेट आया सभा में, उसने कहा माइक पर, आप लोग शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल समय से आया हूँ, आप अपनी घड़ी देखो। और जितने दर्शकों के हाथ में घड़ी थी, सबने घड़ी देखा, सबकी घड़ी उस समय 5 दिखा रही थी, सबकी घड़ी 5 दिखा रही थी। सब दर्शक लोग चौंक पड़े, अभी तो हम इतनी देर से बैठे हुए हैं लेकिन घड़ी 5 दिखा रही, अब क्या करें। सब दर्शक बैठ गए, जब बैठ गए उसने थोड़ा सा एक दो कुछ ऐसे बोला और उसने कहा देखिए हमारा अब शो समाप्त होने का समय हो गया, आप लोग घड़ी देखो 6 बज रहे हैं, 1 घंटे का शो का था, शो समाप्त होने का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं, देख लो घड़ी। सबने घड़ी देखा तो उसमें अब घड़ी में सबके 6 बज रहा था। 2 मिनट के समय में पहले 5 दिखाई पड़ा और उसके बाद फिर वो 6 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो इंद्रजाल है, जादूगर की माया है, ऐसे ये सारा का सारा उसकी माया है। इंद्रो माया विपुर रूपयते, ये सारा सत्य नहीं है, ये आसमान, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधे, ये जंगल, ये नदियां, सब एक माया, उसकी माया है। पुराण कहेगा भगवान की योग माया है, उनकी महामाया है। स्वप्न इंद्र जालवत पश्य, इसको सपने के जैसा समझो, इंद्र जाल के जैसा समझो। कितने दिन टिकेगा? बोले दिनानि त्रीणि पंचवा, 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2-4 दिन, 3-5 दिन, बस थोड़े समय की बात है महाराज। कितने महारथी इस जग में आए और आकर के चले, हम भी चले जाएंगे महाराज, इसलिए सावधान रहो। अच्छा किसको देखें? तो कहते हैं राजन आप इन पर ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं आप इनको बिल्कुल सपने के जैसा समझो। किसको? मित्र गिनाया है पहले नीचे की पंक्ति में, मित्र, जिनको आज तुम अपना मित्र कह रहे हो ना, यही तुम्हारे लिए कभी शत्रु भी हो जाते हैं। मित्र करई शतरिपु कै कर, ये जगत में आप मित्रता मत बनाओ, संसार की मित्रता आपको कष्ट देती, मित्र बनाना है परमात्मा को बनाओ। ओ भगवान आपके एक सखा है, अभिज्ञात नाम के सखा है, भागवत ने कहा अभिज्ञात नाम का सखा पुरंजन का है, जीव के असली सखा वो है। कहाँ संसार में, संसार की मित्रता आप निश्चित समझो, जितने मित्र होते हैं वो सब के सब मतलब के होते। अगर मित्र को पढ़ना है तो रामचरितमानस में मित्र की परिभाषा पढ़िए, कांड है रामचरितमानस का, किष्किंधा का, जब भगवान राम का हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव से, उस समय भगवान राम ने मित्र की पहचान बताई है। और आश्चर्य लगता है जब हमारे कन्हाई के कुल गिनती के मित्र हुए, गोप सखाओं के बाद, बाल सखाओं के बाद में अगर उनके मित्रों की गणना करें तो कोई गुरुकुल का एक मित्र थे सुदामा, उसके बाद एक मित्र हुए अर्जुन, एक मित्र हुए उद्धव, बस इसके बाद पूरा का पूरा समाप्त। और बाकी सगे संबंधी बहुत हैं, 16108 रानियां हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं, सबका विवाह है, संबंधी होंगे, रिश्तेदारी हैं, मित्र कहने के लिए तो बस इतनी,
भगवान राम के, प्रभु श्री राम के पूरे जीवन में देखो तो मित्र कितने, कभी वो होगा केवट निषादराज, कभी वो सुग्रीव और विभीषण, बस हनुमान जी सेवक हैं, मित्र नहीं हैं। जाम भगवान जी उनके मुख्य सलाहकार हैं, मंत्री हैं, से मित्र नहीं। मित्र तो कहने के लिए एक कुछ गिने चुने। और हमारे इस दुनिया में एक जरा सा लड़का होता है, वो कहता मेरे 50 दोस्त हैं। हाँ, नासमझी की बात है, कोई मौके पर काम नहीं आता, सब मतलब के साथी, सब स्वप्न के जैसे समझो, मित्र बिल्कुल स्वप्न के जैसे। दूसरा का क्षेत्र, ये बढ़िया, आदमी बड़े गर्व में कहता है मेरे पास इतना बीघा जमीन है, इतनी जमीन मेरे पास में है, मैं कोई कम नहीं हूं। अरे भैया, जिस जमीन पर आप अपना कब्जा बता रहे हैं, उस जमीन पर हजारों हजार आए कब्जा कर चले गए, उसी जमीन पर। सब स्वप्न के जैसे है, इंद्रजाल के जैसे है, एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया है खतौनी में, रजिस्ट्री में, ये जमीन आपकी है, थोड़े दिन की बात है। और कभी अगर कोई विचार करे, कोई विचार करे, तो उसी के कितने, एक वस्तु के अगर 10 लोग दावेदार हों, एक चीज के अगर 10 लोग कहें कि ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, इसका मतलब सब का सब झूठ है। एक चीज है, इस चीज को हमने कहा मेरा, दूसरे ने कहा मेरा, तीसरे ने कहा मेरा, चौथा कहता है मेरा, इसका मतलब ये वस्तु विवादित हो गई, विवादित हो गई ना, क्योंकि इसके 5 दावेदार हो गए। आप विचार करो, जिस जमीन को आप कहते हो कि यह जमीन मेरी, वही उसी जमीन को सरकार कहती है कि ये जमीन मेरी, मैं जब चाहूं एक नोटिफिकेशन जारी करके ले लूंगा। उसी जमीन को आपका बेटा कहता है मेरा, उसी जमीन को आपकी पत्नी कहती है मेरी, उसी जमीन को आपके पिता कहते हैं मेरा, उसी जमीन को आपका मित्र भी कहता होगा मेरा। तो उस जमीन पर मेरा का झंडा गाड़ने वाले कितने हो गए, कितने। हाँ, असल में किसका है मत समझो, अपना क्षेत्र मत समझो। किसी समय पर सम्राट जनक को किसी ब्राह्मण देवता पर गुस्सा आया। एक ब्राह्मण देवता थे, विद्वान थे, बहुत विद्वान, उनसे कोई गलती हो गई, शरीर से कोई अपराध हो गया। उन ब्राह्मण देवता को सैनिक लोग पकड़ के ले आए सभा में, सम्राट जनक बैठे हैं, पूरा का पूरा राजसभा विराजमान है, वो विद्वान ब्राह्मण को सामने खड़ा किया, वादी प्रतिवादी दोनों का आपस में संवाद सुना, और महाराजा जनक को लगा कि हाँ, इन ब्राह्मण देवता से गलती हुई है। महाराजा जनक ने आज्ञा दिया, निर्णय दिया, ब्राह्मण देवता मेरे लिए ब्राह्मण अबध्य है, हम ब्राह्मण का वध नहीं करते, लेकिन तुम्हारा अपराध भी जघन्य है, कम नहीं है, तुम हमारे देश की सीमा को छोड़ के चले जाओ। देश निकाला, हमारे राज्य की सीमा को छोड़ के चले जाओ। ब्राह्मण देवता ने एक क्षण अपने नेत्र बंद किए, विचार मग्न हुए, और उन्होंने कहा सम्राट एक प्रार्थना है, हमको ठीक ठीक पता नहीं कि आपके राज्य की सीमा कहां तक है, कृपा करके अपने जिस राज्य से आप हमको कह रहे हो कि हमारे देश से आप निकल जाओ, अपने राज्य की सीमा आप हमको ठीक ठीक बता दीजिए, तो हम आपके देश से निकल जाएं। सम्राट जनक दोनों ज्ञानी हैं, सावधान हुए, अरे हमने कहा मेरे देश से निकल जाओ, मेरा देश कहाँ, मेरा देश कहाँ, कितनी कितनी हमारी जमीन है। विचार करते करते सम्राट जनक ने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए, यथेच्छा से तथा करो, आप जाइए। और सम्राट जनक अपने में डूब जाते हैं। ये सारा का सारा मित्र क्षेत्र, देखो तीसरा धन देख लेना, मित्र क्षेत्र धन आगार, आगार कहते हैं महल को, आगार दार पत्नी, दायादि, ये जितना दायादि माने बाल बच्चे जो आपके उत्तराधिकारी हैं, वो सब के सब, ये जितनी संपत्तियां हैं जो कुछ भी है,
मित्र, जमीन, घर, पत्नी, पति, परिवार, बाल बच्चे सब माया जाल है जी, सब का सब माया जाल। जीव इसमें फंस के रो रहा है, फंस है। क्यों फंसता है? क्योंकि बस उसको लगता है कि ये सही है, ये मेरा अपना है, फंसता है, इसको स्वप्नवत नहीं समझ पाता। अगला श्लोक पढ़ते हैं, या है यात्रा यात्र भवे तृष्णा, यात्रा यात्र भवे तृष्णा, संसारं विद्धि तत्र वै, संसारं विद्धि तत्र वै, प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य, प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य, भीत तृष्णा सुखी भव, भीत तृष्णा सुखी भव। कितना बढ़िया आशीर्वाद जैसा है, सुखी भव। इस श्लोक में कहा राजन सुखी भव, सुखी हो जाओ, इसी क्षण सुखी हो जाओ। अभी कैसे हो सकते हैं विचार करो। यात्र यात्र जहां जहां पर, जहां जहां भवे तृष्णा, जब जब आप किसी वस्तु को तृष्णा से युक्त होकर देखते हो, आकांक्षा अपेक्षा से युक्त हो के देखते हो, ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी, नहीं मिलेगा तो मैं सुखी नहीं। संसार वही समझ लो संसार है, संसार विद्धि तत्र वही वही संसार। जैसे कहें कि हम संसार कहाँ है, संसार कहाँ है, जिस जिस चीज के बगैर आप रह नहीं पा रहे हो। ये वस्त्र मिलेगा तभी मैं सुखी हूँ, समझना यही संसार है। ये धन मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा भोजन मिलेगा तो ही मैं सुखी होऊंगा, ऐसा फूल माला सम्मान मिलेगा तो ही मैं सुखी होऊंगा। जहां जहां आपकी तृष्णा है, तृष्णा माने प्यास, चाह, बस ये चाहिए, यही चाहिए हमको, यही चाहिए। ऐसे घर चाहिए, ऐसे वस्तु चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे परिस्थिति चाहिए, और यही तो मनोकामना में होती है। ज़्यादातर आदमी मंदिर के तरफ दौड़ा जाता है, अमुक मंदिर चले जाओ, अमुक मंदिर चले जाओ, अमुक देवता को प्रसन्न कर लो। क्यों? आपकी मनोकामना को पूरा करें। तो मनोकामना माने क्या? आपके मन की कामना, और मन के भीतर तृष्णा है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। अमुक अमुक देवता हैं, वो आपकी पूरा भी कर देते हैं, उसमें कौन सा। यो यो याम याम तनुम श्रद्धा, जो जो जिस जिस भाव के साथ मेरे पास आएगा उसकी वो पूर्ति कर देते हैं, लेकिन शांति थोड़ी मिलती है, शांति नहीं प्राप्त होती, सुख नहीं होता। जहाँ जहाँ तृष्णा है, जहाँ जहाँ अपेक्षा आकांक्षा है, संसारम विद्धि, वहाँ वहाँ समझ लेना कि संसार है, वही वही संसार है। क्योंकि आप कामना वाले हो, किसी कामना का विषय है, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रमरत हो, बस यही संसार त्रिपुटी है। जहां जहां त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, दृष्टा दृश्य दर्शन, भोक्ता भोग्य और भोग। ऐसे ही आपके भीतर इच्छा है, उस इच्छा का कोई ना कोई विषय है, और दोनों के बीच में आपका प्रयत्न है, परिश्रम करते हो, बस यही सब समझ लो संसार है। इसलिए उपाय क्या है? प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, राजन प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लो। वैराग्य के शब्द साथ में विशेषण दिया है प्रौढ़, प्रौढ़ वैराग्य। इसका मतलब वैराग्य भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक वैराग्य होता है जिसका नाम है मरकट वैराग्य। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर को, जिसका स्वभाव बहुत चंचल है, काफी चंचल स्वभाव, चंचल है। लेकिन कभी कभी सर्दी हो गई, और सर्दी में सवेरे सवेरे देखो तो कहीं जंगल में वो बंदर एकांत में चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है, बहुत शांत सा बैठा है। तो जैसे वो बंदर बहुत शांत सा बैठा है, इसका मतलब मत समझ लो कि वो बंदर का मन शांत है, वो थोड़ी देर के लिए है, उसको फल फूल मिल गया है, खा चुका है, वो धूप सेक रहा है, सर्दी दूर कर रहा है, थोड़ी देर, अभी अभी देखना ये दूसरी डाल से चौथी डाल पे छलांग लगाना शुरू कर देगा।
ऐसे ही कभी कभी आदमी सोचता है बस हम तो बड़े बैरागी हो गए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अनेक बार महात्माओं से लोग कहते स्वामी जी हम देख लिए दुनिया, अब संसार में कहीं मोह नहीं रहा मेरा, ना बेटा से ना बेटी से ना घर से ना धन से ना संपत्ति से, किसी से मोह नहीं रहा। ये सब मर्कट वैराग्य है, मर्कट वैराग्य। जरा सा गड़बड़ी हो जावे उसी परिवार में फिर देखना, फिर महाराज रोते रोते आदमी परेशान होता है। मर्कट वैराग्य यानी बहुत बहुत ही चंचलता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांति जैसी दिखाई पड़ती है। मर्कट दूसरा वैराग्य है ना, दूसरा वैराग्य उसका नाम है शमशान वैराग्य, बड़ा प्रसिद्ध है शमशान वैराग्य। आदमी जब शमशान की तरफ जाता है तो हाँ जी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हाँ जी देखो ये चला गया, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े परोपकारी सज्जन थे, चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, चार दिनों का मेल है ये संसार, नदी नाव संयोग कौन साथ रहता है। कहाँ पर बोल रहे हैं, शमशान घाट में, दो चार क्षण, उसके बाद ही अगर शमशान में आप जाके देखो तो 50 आदमी अगर लेके आए हैं उसको जलाने के लिए, तो उसको लकड़ी की चिता पर रख दिया, आग जल रही है, जल रहा है, जैसे ये जल रहा है हम भी वैसे जलेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद में सावधानी से हमने अनुभव किया है, वही शमशान में जो 50 लोग हैं वो 5 का एक गुट अलग हो गया, 7 लोगों का ग्रुप अलग हो गया, 10 लोगों का ग्रुप अलग हो गया, उसी में कोई राजनीति की चर्चा करने लगता है, कोई व्यापार की चर्चा करने लगता है, कोई कोई और बात चर्चा कर रहे हैं। अब उनको जलता हुआ आदमी ही भूल जाता है, बहुत थोड़ी देर का बैराग्य, शमशान बैराग्य, एक दृश्य देखा और उसी से उनका मन थोड़ी देर के लिए बैराग्यवान हुआ और बाकी फिर संसार की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये भी बैराग्य, मुख्य रूप से मंद बैराग्य विभाग करना चाहो तो मंद बैराग्य, मध्यम बैराग्य और तीव्र बैराग्य, ये तीन भेद हम करते हैं। तो तीव्र वैराग्य को ही यहाँ पर प्रौढ़ वैराग्य कहा है। मंद वैराग्य जैसे आप समझ लो कि थोड़ी देर के लिए घर में लड़ाई हो गई, हरिद्वार चले गए, हम तो जा रहे हैं हरिद्वार, जा रहे हैं महात्मा बनेंगे, हरिद्वार आ गए गंगा नहाए, जैसे गंगा नहाए अब भूख लगी तो उनको घर याद आने लगा, घर में होते तो अब नहाते ही चाय मिल जाती थी, साथ में कुछ और मिल जाता था, बस कोई महात्मा गंगा जी किनारे घूम रहे थे, क्यों भगत क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोले महाराज गंगा स्नान करने के लिए आए थे, हम जा रहे हैं, वापसी की ट्रेन है अभी शाम को, बस गए और फिर वहाँ से वापस। इसका नाम हो गया मंद बहरा क्षणिक, और एक तो नहीं कितनी बार घर में पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो देखना बैराग चढ़ता है, पति पत्नी में लड़ाई हुई, हम तो महात्मा बन जाएंगे, स्वामी जी के पास जा रहे हैं, पत्नी रोने लगती है या जो है दूसरा पति जो है अरे अरे मनाने लगता है, असल में सब मंद क्षणिक वैराग्य होता है, छोड़ना। महात्माओं की एक ऐसी जो है दृष्टांत दिया है संतों ने कि कोई एक व्यक्ति बाहर से आया, उसकी पत्नी एक चिट्ठी लेकर के रो रही थी, एक पत्र आया था उसको पढ़ के रो रही थी बहुत जोरों से, उसने कहा अरे भगवान क्यों रोती हो तुम, उसने कहा देखो भाई ने चिट्ठी लिखी है कि हम थोड़ी व्यवस्था कर रहे हैं परिवार की, थोड़ा सबकी ठीक ठाक व्यवस्था कर ले तो उसके बाद हम संन्यास लेंगे, अगले साल हम संन्यास ले लेंगे, देखो भाई मेरा सन्यासी हो जाएगा अब क्या करूं। वो पति ने कहा ना समझ रो मत, वो नहीं सन्यासी बनेगा, ऐसे कहीं कोई सन्यास लेता है। अब पत्नी तो वो कहती तुमको मैं ही जानती हूं, अरे चुप रहो मेरा भाई है, देखो चिट्ठी लिखी है वो सन्यास लेने वाला है, क्या होगा घर का, उसके परिवार का क्या होगा, हाय हमारे मायके का क्या होगा, आपको तो समझते नहीं, आपको ऐसे लग रहा है कोई संन्यास नहीं लेगा वो,
उसने कहा सन्यास इतनी प्लानिंग के साथ नहीं लिया जाता, 5 साल का प्रोग्राम बना के सन्यास नहीं लिया जाता, ऐसे नहीं ले पावेगा वो। पत्नी ने कहा इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होते तो तुम ही बन के दिखाती। उसने कहा सही 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 सही। अच्छा, पति ने पूछा हम बताएं कैसे सन्यास लिया जाता है, हाँ दिखाओ बता करके। उसने वही कपड़ा वपड़ा उतारा और वहां से कहा अच्छा हम जा रहे हैं, और जो गया सो लौट के फिर आया नहीं। बोले ऐसे थोड़े होता है, ऐसे होता है, प्लानिंग के साथ नहीं होता ये सब। एक मंद वैराग्य हुआ। दूसरा वैराग्य है मध्यम वैराग्य। मध्यम वैराग्य, मध्यम वैराग्य माने निकलता तो है, निकलता तो है, घर से थोड़ा वैराग्य हुआ निकल पड़ा, कहीं आश्रम में गया, संतों के पास गया, थोड़ा स्वाध्याय भी किया, साधन भी किया, हो सकता है 1-2 साल भी कर सकता होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद में उसको घर की याद सताने लगी, घर के लोगों का संबंध बन जाता है। आजकल की समस्या तो मोबाइल की और है, सवेरे शाम फोन पर बात होने लगती है, ये हमारा बेटी है, दामाद है, बेटा है, बहू है, और धीरे धीरे फिर उस परिवार की ममता चित्त में आके छा जाती है और कुछ दिन के बाद में पुनः वहीं पर लौट जाता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। कौन सा वैराग्य हुआ? मध्यम वैराग्य, निकला था लेकिन फिर से वापस आ गया, फिर से वापस आ गया, मध्यम वैराग्य। और तीसरा वैराग्य तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य यानी प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित है, एक बार निकला तो सिंह निकला। आप वैसे समझो तो 3 प्रकार के पक्षी होते हैं। एक पक्षी है जो पिंजरे से कहीं जाता ही नहीं, पिंजरे का ढक्कन खोल भी दो, दरवाजा खोल भी दो तोता आदि को, तो वहीं घूम के पिंजरे के ऊपर बैठ जाएगा, दूर नहीं जाएगा। मतलब एक परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, निकलते नहीं, बस बातें बढ़िया बढ़िया करते हैं, मिट्टू तोता राम राम, सब झूठा, सब 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 स्वप्न के जैसे, सब माया है, निकलेंगे नहीं कहीं। कौन है वो? पिंजरे का तोता। एक ऐसा होता है कबूतर, कबूतर का स्वभाव है घोंसला जहां भी बना होता है उड़ता तो है, दूर तक उड़ेगा, मीलों दूर तक जाएगा, वहां से चारा लेगा, लेकिन शाम तक लौट के अपने घोंसले में आ जाता है, आके अपने घोंसले में ही चुपचाप बैठ जाता है, उड़ेगा जाता है फिर आ जाता है। कोई कोई पक्षी होता है कि एक बार उड़ा सो गया, दोबारा कभी लौट के नहीं आता, वो प्रौढ़ वैराग्य है, तीव्र वैराग्य है, तीव्र वैराग्य। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दृष्टांत हैं, आप लोग समझ सकते हो तो समझें। कभी कर्दम ऋषि महाराज निकल गए, आत्मदेव जी निकल गए, बड़े बड़े ऋषि लोग जो है एक समय पर निकल जाते हैं। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य बीत तृष्णा, और जब प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लोगे तो संसार की तृष्णाएं आपकी चली गई, बीत तो समाप्त हो गई, उसी क्षण आप सुखी हो, आप सुखी हो जाओ। हाँ, यात्र यात्र भवे तृष्णा, जहाँ जहाँ आपकी तृष्णा होगी समझना वही संसार है, और जब आपने प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लिया तो तृष्णा चली गई, समझना आपका हृदय सुखी हो गया, इसी क्षण आप सुखी हो गए हे राजन। इसीलिए तृष्णा ही संसार है। आगे देखो एक बढ़िया बात कहते, तृष्णा मात्रात्मको बंध, तन्नाशो मोक्ष उच्यते, भव संसक्ति मात्रेण प्राप्तिर तुष्टिर मुहुर्मुहु। तृष्णा मात्र आत्म को बंधा, आपके भीतर जो तृष्णा है, आत्म को आपके मन में जो तृष्णा है, समझना वही बंधन है। तृष्णा मात्र आपको बांधने वाली, तृष्णा मात्र आत्म को बंधा आपको बांधने वाली यही तृष्णा है,
कामना है और कुछ नहीं, कामना तृष्ण। द्वैपदे बंध मोक्षा निर्ममेति ममेति च, ममेति बध्यते जंतु निर्ममेति परमुच्यते। दो लाइन में अगर कहा जावे तो आपके बंधन का स्वरूप माम इति, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यही आपका बंधन है, और मेरा कुछ नहीं, यही आपका मोक्ष। दो पद में कुछ मेरा नहीं, लेकिन ये मेरा है, ये कुशल रहे, ये स्वस्थ रहे, ये ठीक ठाक रहे, ये वस्तु मेरे पास बनी रहे, ये घर जमीन जायदाद बाल बच्चे सब ज्यों के तो बने रहे, बस इस अपेक्षा का नाम ही बंधन है, इस चाह का नाम ही बंधन। आप बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से बहो ना, सृष्टि में परमात्मा के हिसाब से चल। कैसे एक पत्ता टूटता है डाल से, पका हुआ पत्ता पीला पड़ गया था, डाल से टूट करके गिरा, और उस अब उस पत्ते की अपनी कोई चाह नहीं है, हवा का झोंका उधर से ले आया, पूरब की तरफ पूरब चल पड़ा, पश्चिम की तरफ पश्चिम तरफ, तत्ववेत्ता महापुरुष उनका कोई अपनी अपेक्षा नहीं, चेष्टते शुष्क पर्णवत, उस सूखे पत्ते के जैसे प्रारब्ध जिसका है जैसा चल रहा है, मैं क्यों चाहूँ। उसकी आयु पूरी हो गई, मृत्यु हो गया, उसके यहाँ पर ऐसा था, उसके यहाँ पर ऐसी घटना घट गई, उसके यहाँ पर सब ठीक ठाक हो गया, उसका प्रारब्ध था, आप निश्चित रहो। तृष्णा मात्रा, आपकी चाह ही समझना आपका बंधन है। तात नासो मोक्ष उच्यते, ये भीतर के तृष्णा मिट जाए उसी का नाम मोक्ष है। कितना आसान सा है, कितना आसान सा। अष्टावक्र कहते तृष्णा मात्र आत्मको बंधा, आपका बंधन यही तृष्णा है, और तत् नाश, तृष्णा का नाश हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए भाव असंशक्ति मात्रेण, असंशक्ति मात्रेण भाव, इस संसार से बिल्कुल असंग हो जाओ, बिल्कुल असंशक्ति। असंशक्ति माने कहीं पर आसक्त मत हो, कहीं पर आसक्त मत हो जाओ, और प्राप्ति तुष्टिर्भूर्भुः। और वैसे भी आप यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है, जो आपके पास है प्राप्ति जो है, उसी में मस्त रहो, संतुष्ट रहो, मुहुर्मुहु बार बार परमेश्वर की कृपा से क्या क्या नहीं मिला है। मेरे पांव ठीक हैं, हाथ ठीक है, मेरी आँख ठीक है, मेरे कान ठीक है, सुनाई पड़ता है। इस जगत में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पांव नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, परमात्मा ने कितना दिया है आपको, नारायण की कृपा से कम आज आपके पास वस्त्र कई हैं, एक नहीं कई दर्जनों वस्त्र हैं, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। तो प्राप्ति तुष्टु मुहुर्मुहु, जो चीज प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो, और अपनी आत्मा से आप अपनी आत्मा की तरफ मिल जाओ। अगला से त्वमेकश्चेतना शुद्धो, त्वमेकश्चेतना शुद्धो, जडं विश्वम सत्तथा, जडं विश्वम सत्तथा, अविद्यापि न किंचित् सा, अविद्यापि न किंचित् सा, का बुभुत्सा तथापि ते, का बुभुत्सा तथापि ते, त्वम् एकः, हे राजन तुम एक हो, एकम सद विप्रा, तुम एक हो, चेतना तुम चेतन स्वरूप हो, शुद्धा तुम शुद्ध हो, परम शुद्ध हो, कहीं मलिनता का संसर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं ना। अगर तुम एक आत्मा के अलावा दूसरा होता तो संसर्ग होता, तब अशुद्धि होती। वस्त्र है और मिट्टी है, तो मिट्टी वस्त्र में लग गई तो वस्त्र हमारा अशुद्ध हो गया। दूध है, पानी है, तो दूध में पानी मिला दिया तो आपने कहा दूध अशुद्ध है, जब एक ही तत्व है, दूसरा है ही नहीं, तो अशुद्धि आएगी कहाँ से। तुम एक हो, चैतन्य स्वरूप हो, शुद्ध हो, और ये सारा का सारा जगत आप आत्मा चेतन स्वरूप हो, और सारा विश्वम जड़ है, जड़म विश्वम, ये सारा जगत जड़ है,
अरे जड़ ही नहीं असत है। असत माने थोड़ी देर के लिए आपको दिख रहा है, वास्तव में ये है वे है, असत है। गंधर्व नगर के जैसे आकाश में बादलों का टुकड़ा घूम रहा था, थोड़ी सी हवा चली वो बादलों के टुकड़े को देखो तो बार बार वो बादलों के टुकड़े में ही आपको रथ दिखाई पड़ सकता है, तलवार दिखाई पड़ सकता है, गंधर्व दिखाई पड़ सकते हैं। असल में वहां पर ना रथ है ना तलवार है ना कोई रथ सवार है, वो बादल के छोटे छोटे टुकड़ों में वैसी प्रतीति होने लगती है। सबका सब गंधर्व नगर के जैसे असत है ही नहीं, है ही नहीं, केवल वाणी का जमा खर्च है। वाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्य, तुम ही सत्य हो। अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है ये तो मैं समझ गया, मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, जगत झूठा ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये भीतर की अविद्या नहीं मिटती, बहुत प्रयास कर लिया। तेहि कर भेद सुनो तुम सो पर अरु अपर अविद्या, ये भीतर जो अविद्या है वो नहीं मिलती। अष्टावक्र महाराज कहते हैं अविद्या बिना किंचित सा, अरे राजन ये अविद्या भी कहाँ है जिस अविद्या की बात कर रहे हो, लाओ लाओ अविद्या को मैं हटा दूं, कहाँ है अविद्या? शब्द है विद्या, विद्या के आगे लगा दिया एक उपसर्ग आ, उपसर्ग जब लगता है तो उपसर्ग धातु के अर्थ को बलात् बदल देता है, तो विद्या शब्द के आगे लगा दिया आ तो हो गया विद्या माने ज्ञान, और ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम ही हो गया अविद्या। अरे उसकी सत्ता कहाँ है? ज्ञान है, ज्ञान के आगे आ लगा दिया उपसर्ग, तो ज्ञान के आगे उपसर्ग आ लग गया तो इसका नाम हो गया अज्ञान, ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान, विद्या के अभाव का नाम ही अविद्या, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार। अगर अंधकार की सत्ता होती तो कहीं ना कहीं तो दिखाई पड़ती ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अभी कमरे में अंधकार था, प्रकाश हमने किया तो अंधकार गायब हो गया, कहाँ गया अंधकार? अगर होता सत होता तो कहीं ना कहीं तो उसकी सत्ता होती, जैसे कूड़ा करकट है हमने निकाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसे कहीं मिलता है अंधकार? ढूंढने जाते हैं तो कहीं है नहीं, इसका मतलब अंधकार केवल प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार। इस पर मतभेद है, अविद्या भावात्मक है कि अभावात्मक, इस पर तत्ववेत्ताओं में विचार किया गया। तो कई आचार्य लोग कहते हैं अध्यास ही अविद्या है, अध्यास स्वयं ही अविद्या है, अविद्या नाम की कोई चीज नहीं, और कुछ आचार्य लोग इस मत पर हैं कि अध्यास का कारण अविद्या है, अध्यास अविद्या के कारण होता है, अविद्या है अज्ञान है, उसी के कारण फिर हम आवरण विक्षेप और मल होता है, अध्यास होता है और हमारा पूरा व्यवहार होता है। तो ये दोनों विचार हमारे यहाँ पर स्वीकार है, दोनों विचार चलते हैं कि अविद्या माने विद्या के अभाव को ही, ज्ञान के अभाव को ही हम अविद्या माने, या अविद्या की सत्ता है भावात्मक है, इस पर विचार किया जाता है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं अविद्या बिना किंचित, अरे ये जिसको आप अविद्या कह रहे वो भी कहीं है नहीं, वो भी कहीं नहीं। का बुभुत्सा तथा पिते, तुम तो आत्मा हो तो जानने की इच्छा भी क्यों करते हो, तुम तो हो ही। जो चीज आपको, जो चीज आपके भीतर है और बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ हो, तो उसको पाने की इच्छा नहीं होती, स्वा को पाने की इच्छा कभी नहीं होती। आज आप कामना करो किस चीज की? खुद को पाने की, स्वयं, अरे हाथ, अपने हाथ को पाने की कामना करो, जो मिला हुआ है उसको पाने की कामना नहीं होती। का बहुत सा काहे कि तुम ऐसे संसार में फंस रहे हो,
महाराज ठीक है, मैं तो जान गया, मैं तो तत्ववेत्ता हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो और सब हैं ये सब तो अज्ञानी हैं, इनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाय हाय मेरी पत्नी, हाय हाय मेरा पुत्र। बहुत बढ़िया श्लोक है, हमारा प्रिय श्लोक है ये, हमारे चित्त में बहुत सालों से बैठा, बहुत बार इसको मैं चिंतन करता। राज्यम सुता कलत्राणी, राज्यम सुता कलत्राणी, शरीराणि सुखानि च, शरीराणि सुखानि च, संसक्तस्यापि नष्टानि, संसक्तस्यापि नष्टानि, तव जन्मनि जन्मनि, तव जन्मनि जन्मनि। राजन ये जो राज्य पे बैठे हो ना, ये राज्यम राज्य, सुता माने पुत्र आदि आपका परिवार, कलत्राणी माने पत्नी, शरीराणी माने ये शरीर, और सुखान जो अनेक अनेक सामग्री हैं जिनके भोग से हमको सुख मिलता है, इतना गिनाया। राज्य, परिवार, पत्नी, शरीर और ये सुख की सामग्रियां, ये सब जैसे आज आसक्त हो ना, ऐसे न जाने कितने जन्मों में आसक्त हुए हो तुम। संसक्तस्य अपि, कभी आप देवता बने थे तो भी आपके पास रहा होगा, कभी दैत्य बने होंगे तो भी आपके पास रहा होगा, कभी पशु पक्षी बने होंगे तो भी हो सकता है आप पक्षियों के झुंड का सरदार रहे हो, उसमें क्या, बंदरों का झुंड होता है उसका भी एक मुखिया होता है, हाथियों का झुंड होता है उनका भी एक मुखिया होता है, उनकी भी अपनी व्यवस्था होती है। आपके पास तो नस्तान तव जन्म निजन्म, 84 लाख योनियों में बार बार आपने इसको बनाया है, इसमें आसक्त रहे हो। हमने सुना है कि एक मधुमक्खियों की एक रानी मक्खी होती है, मधुमक्खी लोग जो पालते हैं उसकी एक मक्खी होती है रानी मक्खी, और साथ में उसकी सेना होती है, काम करने वाले होते हैं। रानी मक्खी काम नहीं करती, रानी मक्खी जहां जाके बैठ गई वहीं पर मधुमक्खी का छत्ता लग जा बैठा, उनकी भी एक रानी होती है, उनका भी पूरा का पूरा परिवार चलता है। ये सब आपने जन्मों जन्मों में देखा है, जन्मों जन्मों में इसमें आसक्त रहे हो, अब तो जागो, हो गया, बहुत हो गया, अब तो होश में आओ। कैसे होश में है, अपनी बुद्धि को ले आओ। पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज हमारे आचार्य हमेशा कहते थे, अपने चित्त को ले आओ अलम बुद्धि में। अलम बुद्धि माने, अलम माने हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, दुनिया का काम कर लिया, नौकरी कर ली, धन कमा लिया, बाल बच्चों को पालन कर लिया, ये राज्यम सुता, ये सब अलम बुद्धि ले आओ, बस बहुत कर लिया। श्लोक देखो, अलम अर्थे न कामेन, अलम अर्थे न कामेन, सुकृते नापि कर्मणा, सुकृते नापि कर्मणा, हेभ्या संसार कांतारे, हेभ्या संसार कांतारे, न विश्रांतम भून्मनः, न विश्रांतम भून्मनः। अलम अर्थेन कामी, देखो इस अध्याय का जो ये दसवां था, इसके प्रारंभ में कहा था ना, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष के लिए तो हमको साधन करना है, मोक्ष के लिए तो हम श्रवण मनन ध्यान कर रहे हैं, तो मोक्ष तो चाहिए। लेकिन वो जो तीन था, धर्म, अर्थ, काम, उसके लिए यहाँ पर तीनों का एक लाइन में, इसका नाम है उपक्रम और उपसंघा। इस अध्याय का उपक्रम किया, प्रारंभ किया इसी से, और देखो श्रृंगार कर रहे हैं। आलम अर्थेन, जितना धन आपने प्राप्त कर लिया, अब भीतर अलम बुद्धि ले आओ, हो गया, बहुत हो गया, काम भर का हो गया। और खास करके जो है, जब कभी कोई पेंशन पाता है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा है, सरकार की कृपा है कि आपके लिए जितना आवश्यक है पति पत्नी के लिए उतना तो है ही, और अगर व्यापारी भी हैं तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी है कि आप जीवन पर्यंत बैठ के भी खाओ तो पूरा नहीं। अलम अर्थे, धन में आपकी अलम बुद्धि हो जावे। कामेन,
जो भोग की सामग्री है, देखो अलम अर्थेन, दूसरा हो गया कामेन, कामेन माने भोग की सामग्री कामना, उसमें अलम बुद्धि ले आओ, बहुत हो गया। और तीसरा देखो सुकृतेन, ये तीन शब्द है ना, अर्थेन कामेन सुकृतेन, ये तीनों में सुकृतेन माने धर्म के कर्म में, पुण्य कर्म में, उसमें भी अलम बुद्धि बहुत कर लिया हमने। कितना तो हमने जो है गंगा स्नान कर लिया, कितना हमने रुद्राभिषेक कर लिया, कितना हमने मंत्र का जाप कर लिया, कितना हमने समाज की से बहुत अलम बुद्धि। जब तक आप इधर ये तीनों में रहोगे बहिर्मुखी रहोगे, अर्थ की प्राप्ति के लिए बहिर्मुखी होना पड़ेगा, कामनाओं की पूर्ति में बहिर्मुखी होना पड़ेगा, और सुकृत यानी उन धार्मिक कार्यों के लिए भी आपको बहिर्मुखी तो होना पड़ता है, बाहर की तरफ तो आपको जाना। आलम बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अब भीतर बैठो, अपने आत्मा में बैठो, अपने भीतर बैठो। ये जो है ना तीनों धर्म अर्थ काम, ये तीनों, इनसे एभ्या संसार कांतारे, ये संसार में घोर जंगल है, इसमें फंस जाओ, एक बार पैसा कमाने में लग जाओ, समझ लो जंगल में चले गए, जंगल में रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ पर गांव मिलेगा, कहाँ ये रास्ता खत्म, जंगल खत्म होगा पता नहीं लगता, आदि अंत नहीं लगता। ऐसे आप धन कमाने में लग गए, जंगल में फंस गए, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, कामनाओं की पूर्ति में लग जाओ, जंगल में है। और ऐसे पुण्य कर्म वाला भी है, एक बार आप फंस गए तो ये घोर जंगल में फंस गए, घोर जंगल, और छोर दिखाई नहीं पड़ता, इसमें कभी किसी को विश्रांति नहीं मिली, ना विश्रांतम अभूत मनहा, यहाँ ये घोर जंगल में मन कभी विश्रांत को नहीं पाता, मन कभी शांत नहीं होता जी। इसलिए बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, परमेश्वर ने हमारे इस शरीर से इतना पुण्य कर्म करा दिया, प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद, प्रभु ने ऐसा किया, हमारा परिवार ठीक ठाक है, आलम हो गया, अपनी जिम्मेदारी हमने पूरा कर लिया। ये बुद्धि में बैठेगा तब जिसको आप आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा कहते हो, उसका जीवन मुक्ति का सुख तो तभी मिलेगा ना। अलम अर्थे बहुत हो गया, धर्म अर्थ काम तीनों में अलम बुद्धि है। अब केवल एक चीज में हम साधना करें, श्रवण मन ध्यासन करें, शास्त्र का चिंतन मनन करें, और केवल अपनी आत्मा में रमण करें। इस अध्याय का समापन करते हैं अंतिम श्लोक से। कृतम न कति जन्मानी, कृतम न कति जन्मानी, कायेन मनसा गिरा, कायेन मनसा गिरा, दुःख माया सदम कर्म, दुःख माया सदम कर्म, तदप्युपरम्यता। देखो कृतम न कति जन्मानि, कति माने कितने, कितने जन्मों तक, कितने जन्मों में, कृतम न कृतम, कति जन्मानि न कृतम, ना जाने कितने कितने जन्मों में आपने क्या क्या नहीं किया है, किससे, कायेन मनसा गिरम, ये तीन ही चीज से हम ज्यादातर कर्म करते हैं, शरीर वाणी और मन, कायिक वाचिक और मानसिक। अब चूंकि ये तीनों से आप करोगे कर्म करोगे, जब कर्म करोगे तो या तो पुण्य होगा या तो पाप हो जाएगा, या तो धर्म होगा या तो अधर्म होगा। और जब इन तीनों से करोगे, धर्म होगा तो पुण्य मिलेगा, वो पुण्य आपको स्वर्ग आदि ले जाएगा, पाप हो गया तो उससे आपको दुख मिलेगा, नरक आदि चला जाए, आपका तो बस आवागमन ही बना रहेगा ना। इसीलिए भगवान ने कहा ये तीनों से तप किया जा सकता है, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय में विस्तार से बताया, जहां पर श्रद्धात्रय विभागी हो वहाँ पर ऐसा ऐसा तप करना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, 18वें अध्याय में भी शायद है। तो वाणी का तप, मन का तप,
ऐसे बताया, कायिक वाचिक मानसिक ये सब साधन में है। तो आप न जाने कितने जन्मों तक कर्म किए हो, और कर्म से मिला क्या है, दुखम आयासदम, दो चीज, दुखम आयास, परिश्रम घोर किया, मेहनत बहुत किया, और परिणाम क्या मिला, ये राम खोदा पहाड़ निकली चूही, इतना परिश्रम किया और इतने परिश्रम का फल क्या मिला, बड़ा आश्चर्य। अरे आजकल के समय में बच्चे ने साल भर परिश्रम किया, साल भर परिश्रम किया, हो सकता है उसका 90% आ गया रिजल्ट में, 95 भी आ जाता है तो भी बेचारा दुखी, क्योंकि दूसरा वाला संतान भी ले आया है। हेलो, अब 95% लाने के बाद भी वो बच्चा रोता हुआ घर आता है, क्योंकि विद्यालय में उसका जो रैंक आई वो नीचे वाली है, उसके ऊपर 5 और थे। अब आश्चर्य है, इतना परिश्रम करने का भी फल क्या है, तो दुख आयासदम, केवल थका देने वाला परिश्रम, खूब मेहनत किया, मेहनत करते करते बस थक गए, परिणाम दुख मिला। ना जाने कितना आपने इस शरीर से दूसरों के लिए किया। महाराज ये संसार का एक स्वभाव है कि वो कभी कभी आपका एहसान मानता नहीं, बस थोड़े दिन के लिए, जब तक आप करते रहोगे तब तक हाँ हाँ बहुत अच्छे, आप बहुत बढ़िया, आप तो बहुत आप ही तो साधन बढ़िया हो, हाँ एक दिन ना करो सब बराबर कर देता है समाज। दुखम आयासदम कर्म तादा ताता आद्यापि उपरम्यताम, आद्यापि अरे अब तो इससे उपराम हो जाओ, अब तो समल जाओ, अब तो बुद्धि को जगाओ, अब तो वैराग्य को प्राप्त करो, प्रौढ़ वैराग्य निकल जाओ, बहुत देख लिया, जन्मों जन्मों से देख लिया, कहाँ तक, कब तक, आखिर कब तक। अब उपरम्यता, शांत हो, अपने भीतर बैठो, आप आत्मस्वरूप हो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप शुद्ध चेतन हो, एक हो, माया वोया भी कहीं नहीं है, अविद्या वगैरह भी कहीं नहीं है, आप स्वयं को भूले हुए हो, यही अविद्या है, अपना होश नहीं है, यही अविद्या है, अपनी वास्तविकता को भूल करके और संसार में तृष्णा बना के घूम रहे हो, यही अविद्या है। अब भीतर बैठो, निश्चिंत हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र महाराज यहाँ उपदेश दे करके और चुप हो जाते हैं। अगला अध्याय जनक महाराज का फिर अब अनुभव निकलता है, अगला अध्याय जनक महाराज जी का उद्गार है, हम लोग इसको जो है कल देखेंगे, अगले अध्याय को, आज तो यहाँ पर। और बहुत बढ़िया, ये जो अगला अध्याय है, इस अध्याय पर कुछ ऐसे विचार हैं जिनको हम लोग बार बार चिंतन करते रहते हैं और सत्संग में भी इसका मनन करते रहते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं, हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है, यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है, भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन
आज मैं कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे, खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे, भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे, आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे, हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे, जहां भी जाए तुमको पाए नित आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद, सदगुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुल का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सदगुरुदेव भगवान की ही अमृतमय वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुल की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परम पिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें, जो जीवन का परम प्रयोजन है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें तीन स्वरूप होते हैं, कर्म के मार्ग में साधना हो इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया, हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े भाव के साथ में भक्ति करें इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई, और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं, तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई,
जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।